हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जोगी लोन अस्पताल में पीड़ित बालिका की कुशलक्षेम जाने, अलवर में मुख्य बदली के साथ हुआ दुष्कर्म माफी योग्य नहीं, सांसद दिया कुमारी। सांसद दिया कुमारी ने जोधपुर के जेके लोन अस्पताल में नाबालिग मुख्य बदली दुष्कर्म पीड़िता से लेकर उसकी कुशलक्षेम जाने और परिजनों से मुलाकात की। सांसद दिया कुमारी ने कहा कि ये घोर निंदनीय है, ऐसा दुष्कर्म माफी योग्य नहीं है। कांग्रेस सरकार इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, अपराधी अभी तक घूम रहे हैं, कांग्रेस के आलाकमान राजस्थान में आकर जन्मदिन मना रहे हैं, पूरा कांग्रेस का अमला उनकी सेवा में जुड़ा हुआ है, पर किसी को इस बालिका के दुख की परवाह नहीं है। एक संवाद में सांसद दिया ने कहा कि आज राजस्थान अपराध के साए में जा रहा है, लेकिन भाजपा चुप नहीं बैठेगी। कांग्रेस के शासन में महिलाएं बालिकाएं सुरक्षित नहीं है, महिला जनप्रतिनिधि तक को सुरक्षा देनी पड़ रही है, प्रदेश पिछड़ेपन का शिकार हो रहा है। उन्होंने कहा कि इस बेटी को न्याय मिलना चाहिए, यदि कांग्रेस सरकार ऐसी बच्चियों को और महिलाओं को न्याय नहीं दिला सकता तो उसे सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। उसको डिटेल्स में तो नहीं जाऊंगी, स्टेबल है और मैं आपको बता नहीं सकती कि पूरी इस तरह की कैसे हरकत होगी, कैसे किस तरह के लोग हैं भाई, ये क्या इंसान है, इंसान नहीं है, राक्षस है, और इनको पकड़ के सबसे सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, फांसी होनी चाहिए, और ये किसी के साथ भी हो सकता है। प्रियंका जी के लिए कि मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, यूपी में जा सकती हूँ, लेकिन अभी बच्ची किसी स्त्री की हालत हुई थी, यहाँ रणथंभौर आई हुई है, तो रणथंभौर आई है वो, तो यहाँ आने में क्या प्रॉब्लम है? इनको आके दिलासा दें, इन पे जो भी इनके दोषी हैं उनको इमीडिएटली पकड़ा जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, वो आराम से वहाँ बैठी है। उनको जब यूपी में इंसिडेंट होता है तब उनको बहुत चिंता होती है, लेकिन उन्हीं के प्रदेश में जहाँ उन्हीं की सरकार है वहाँ इस तरह की घटनाएँ लगातार हो रही हैं, लेकिन वो इस पर चिंतित नहीं है क्या? ये क्या हमारी देश की बेटियाँ नहीं है? ये क्या हमारी राजस्थान की बेटी नहीं है? इसके लिए कौन लड़ेगा? जागरूक टीवी के राजसमंद से नरेंद्र सिंह खंगारोत की रिपोर्ट।